एक करेक्ट फार्मूला मस्ट ऑलवेज कन्फर्म टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बेसिकली इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट था, ऑप्शंस थे, वो यही थे कि करेक्ट फार्मूला तो ऑलवेज कन्फर्म टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो जॉल डॉन्टन का था। ए कंपाउंड वॉज फाउंड टू कंटेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन देयर रेशियो 28 ग्राम 80 ग्राम, द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो बेटा देखो, सीधी सादी बात है, ऑप्शन ए NO तो नहीं हो सकता, लास्ट वाला N2O5 होगा, क्योंकि देखो एक नाइट्रोजन का मास 14 है, दो का 14 2 28 हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 5 80 हो जाएगा। व्हेन बीटा पार्टिकल आर सेंड थ्रू दिस थिन मेटल फिल्म, मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू द फॉइल हैज। ऑप्शन ए कह रहे हैं बीटा पार्टिकल्स आर हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, सवाल ही पैदा नहीं होता, सेम चीज़ होती है, बीटा पार्टिकल आर पॉजिटिवली नहीं जी, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज वेरी एम्प्टी, यस ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ M2+ ion इज 2, 8, 14 एंड द एटॉमिक वेट इज 56 एटमोस्फेयर, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस आर। तो बेटा देखो, पहले तो देखो कि 2, 8, 14 का मतलब है 24, 24 इलेक्ट्रॉन बचे M+2 में दो इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद, इसका मतलब है ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन 26 थे, या कह लो 26 प्रोटॉन है और मास जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है वो 56 है, तो न्यूट्रॉन क्या होंगे 56 में से 26 माइनस कर लो, आंसर 30। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन है क्वांटम नंबर प्लस ऑफ एंड माइनस ऑफ फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट। तो मेरे भाई देखो, पहले प्लस ऑफ बाद में माइनस ऑफ की बात हो रही है। एक ऑप्शन है रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, नहीं जनाब। दूसरा है रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एंटी क्लॉक वाइज एंड क्लॉक वाइज डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, यस ये आंसर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं 1 लीटर ऑफ गैस वेट 2 ग्राम एट 300 केल्विन, ठीक है जी, एंड 1 एटमोस्फेयर प्रेशर, इफ़ द गैसेस इज मेड 75 एटमोस्फेयर एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर विल 1 लीटर ऑफ द सेम गैस वेट 1 ग्राम। बेटा बड़ा ही प्यारा सवाल है, देखो ऐसे सवालों के लिए फार्मूला होता है P1V1 upon P2V2 = N1T2। P1 इन्होंने दिया हुआ है 1 एटमोस्फेयर, ठीक है, और P2 75 एटमोस्फेयर, V1 V2 दोनों 1 लीटर हैं तो भाई वो कैंसिल हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं दिए हुए, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट 2 है, मॉलिक्यूलर वेट को m मान लेते हैं। फिर ये जो बाद में वेट है कह रहे हैं 1 ग्राम हो गया, यानी ये जो सेकेंड वाले का वेट है 1 upon मॉलिक्यूलर वेट, पहले वाले का टेम्परेचर T1 300 दिया है, T चाहिए। देखो ये mm कट जाएगा बच्चों, फिर तो बहुत आसान है, T इधर डिवाइड है उधर मल्टीप्लाई कर लो, T चाहिए 75 × 2 × 300, आंसर हो जाएगा 4500 केल्विन। ठीक है बेटा, 4500 केल्विन इज जो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस हैव सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन, CO2 एंड N2O, CO2 CO। तो बेटा देखो, सेम तब होता है जब मॉलिकुलर वेट सेम हो, CO2 का मास 44, N2 का 28 प्लस 16 44, तो ऑफ कोर्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर कह रहे हैं फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन 2NO2 N2O4 प्लस 61 किलो जूल्स इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। बेटा ये एक्सो है या एंडो है, पहले तो इसको पहचानो, ये एक्सो है, अक्सर लोग इसे गलत कराते हैं भाई, ये इधर प्लस है ना, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, टेम्परेचर हीट निकली है तो ये एक्सोथर्मिक है भाई, वो डेल एच का साइन अलग होता है, डेल एच पॉजिटिव होता है, एंडो होता है, यहाँ पे प्लस का मतलब है कि इधर जाके माइनस हीट निकली है। तो बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमें पता है जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं प्रोडक्ट डीकम्पोज होती है और रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगती है, एक्सोथर्मिक में इंक्रीज टेम्परेचर में। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फेवर द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O4, फेवर द कंपोजिशन ऑफ। डिस्क्रिप्टिव में बेटा मैं इसका रीज़न भी लिख दूंगा, ये देख लीजिए, वैसे दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक अकॉर्डिंग टू ली चैटर प्रिंसिपल, डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर
फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज अबव केस इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर द डीकम्पोजिशन ऑफ एन टू. द वैल्यू ऑफ के फॉर एच टू प्लस सी ओ टू इज 1.8. इफ़ वन मोल ऑफ ईच एच टू एंड सी ओ टू आर प्लेस इन 1 लीटर फ्लक्स द फाइनल इक्वेशन आर. यानी इनका 1-1 मोल है रिएक्टेंट का, ऑफकोर्स प्रोडक्ट का जीरो होगा, के सी 1.8 दिए. तो हमसे पूछ रहे हैं फाइनल इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन. अब बेटा देखो, जितने भी के सी के इस टाइप के सवाल होते हैं, हम एक ट्रिक लगाते हैं भाई, रिएक्टेंट है ना 1-1 मोल है, प्रोडक्ट जीरो होगी. जितने प्रोडक्ट में मोल बनेंगे रिएक्टेंट में उतने कम होंगे. प्रोडक्ट के मोल को एक्स मान लो, यानी हमें एक्स ही चाहिए होगा, तो रिएक्टेंट 1-x हो जाएगा बेटा. के सी कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा ऊपर, रिएक्टेंट की यानी नीचे. अब क्या होगा, के सी 1.8 दिया है. तो बेटा जब भी इस तरह का सवाल होना, स्क्वायर रूट ले लो. क्यों, 1.8 का स्क्वायर रूट हो गया 1.34, एक्स स्क्वायर का एक्स, 1-x² का 1-x. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 से किया 1.34, माइनस एक्स से किया -1.34. अब यहाँ पे इक्वल टू एक्स चल रहा है बेटा. ये जो -1.34 है ना, इधर आके प्लस हो गया 2.34. 1.34 को डिवाइड करें 2.34 से, तो देखो एक्यूरेट तो ये आना चाहिए. अब करीब तरीन ऑप्शंस में आप देखोगे जो 0.5 से बड़ा एक ही ऑप्शन है 0.531. बेटा अंडरस्टूड सी बात है कि 1.34 को जब 2.34 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 234 का आधा 117 होता है, तो 0.5 से बड़ा आंसर आएगा. तो जो भी 0.5 से बड़ा ऑप्शन है उसको टिक मार दीजिए. क्या वॉट विड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, यार बड़ा ही ख़तरनाक है. आंसर बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर में, यानी ये देखो ये जो चीज़ है ना, ये मिथाइल ग्रुप को शो कर रही है. तो यहाँ भी मिथाइल यानी टॉलिन है. हम सबको बताए कि मिथाइल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, तो अब आने वाले को ऑर्थो पैरा पोजीशन पे भेजेगा, या तो ऑर्थो या पैरा. अब देखो यहाँ क्या है, C2H5COCl. तो बेटा आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसको ऐसे खोल देता हूँ, ठीक है. ये COCl ना, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है C2. देखो बेटा जब भी ऐसा होगा ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, AlCl3 भी मौजूद है, ठीक है. फेडल क्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइलेशन, ये एसाइलेशन होती है. तो देखो ये Cl अलग होगा. अब बेटा ये जो Cl अलग होगा ना, Cl कभी भी नहीं आएगा, याद रखो. हमेशा नेगेटिव पार्ट अलग हो जाता है, पॉजिटिव पार्ट जो है हाइड्रोजन की जगह लेता है, और जो हाइड्रोजन है इस नेगेटिव के साथ HCl अलग से बना लेगा. अब बेटा Cl तो नहीं आएगा, ये पूरी चीज़ ना कहीं लग जाएगी. अब कहाँ लगेगी भाई, अल्काइल या तो ऑर्थो पे बैठेगा, पैरा पे बैठेगा. आए स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, ये तो मेटा आ गया. देखो ना ये अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल है, एक छोड़ के तो मेटा होता है, ये नहीं हो सकता. ये बिल्कुल यही है, क्योंकि देखो बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने क्या होता है, पैरा होता है, या पैरा होता है ऑर्थो होते हैं. सी डी तो वैसे ही नहीं हो सकते भाई, क्योंकि सी एल आ रहा है, सी एल थोड़ी आता है. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या आता है, पॉजिटिव पार्ट आता है. तो सी डी तो धुरफट्टे मुँह हो गए. ए वाला इसलिए नहीं होगा कि एक छोड़ के बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा. वॉट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द बिलो रिएक्शन, ये भी बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर दिया है भाई. बॉर्डर लाइन को पहले तो देखो हमेशा कन्वर्ट करो. इसका मतलब क्या है, ये जो ओ डबल है, पहले तो ना शरीफाना रिएक्शन में अपने तरीके से कन्वर्ट कर लो भाई. इसका मतलब है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और देखो बॉर्डर लाइन में कभी हाइड्रोजन शो नहीं करते, वैलेंसी चार पूरी नहीं हो रही ना इस कार्बन की. एक तरफ CH3 है तो यहाँ एच होगा, यानी एल्डिहाइड है, और दो कार्बन वाला या तो इथानल या एसिटाल्डिहाइड. इसका मतलब क्या है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन और OH यानी अल्कोहल यानी प्रोपानोल, ठीक है. अब बेटा मेरी एक मैजिकल ट्रिक याद रखो, जब भी अल्कोहल का एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करेंगे, ये ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और अल्कोहल का जो H है ना हमेशा ये ओ अट्रैक्ट कर लेगा. पहली बार डबल बॉन्ड ब्रेक होगा ये याद रखो, और H यहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो गया. अब देखो बेटा CH3 अपनी जगह था, H अपनी जगह था, अब एक वैलेंसी खाली हो गई और यहाँ का H चला गया, तो ये OC3H7 अकेला है, तो ये बनेगी फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है. अब हमें इसे बॉर्डर लाइन में कन्वर्ट करना है, ये भी एक बड़ा मसला है. ऑप्शन में देखेंगे बॉर्डर लाइन के लिहाज से क्या बने, यानी कार्बन जो है अब इसके चारों वैलेंसीज फिल हैं, और एक तरफ अच्छा बॉर्डर लाइन में ये H शो नहीं होता, ठीक है. तो आए देखते हैं भाई, डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन का रहेगा ही नहीं, ये दो ऑप्शन तो धुरफट्टे में हो गए.
लेकिन मेरे भाई ये ओ मौजूद है, एक ओ मौजूद होना चाहिए। ऑप्शन बी में ओ भी मौजूद नहीं है, डी होगा। देखो ये हमारा सेंट्रल कार्बन हो गया, ये वाला बॉर्डर लाइन का मतलब है ये सी एच थ्री, ठीक है, एक तरफ ओ एच और एक तरफ होना चाहिए ओ सी थ्री एस सेवन, तो ओ ये है सी थ्री एस सेवन, ये हो गया। बॉर्डर लाइन में कभी ये खाली एच को शो नहीं करते, तो करेक्ट आंसर ये ख़तरनाक था। ये भी क्वेश्चन है, विच वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द बिलो रिएक्शन। यार ये है क्या फिर बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर, एक कार्बन दो तीन चार, चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड और ओ एच कार्बोजिलिक ग्रुप, कौन सा एसिड, ब्यूटेनिक या ब्यूटायरिक एसिड और एस ओ सी एल टू, बिग थ्री में मैंने बताया था, ठीक है। और बच्चों सीधी सादी बात है, जब भी एस ओ सी एल टू हो इसका काम होता है ओ एच की जगह सी एल लगाना, तो पूरा स्ट्रक्चर युगा तू रहेगा, बस ओ एच की जगह क्या रख जाएगा सी एल लग जाएगा। ये मेरा डी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन इंडिकेट दैट द प्रोडक्ट इज लीस स्टेबल। तो एक ट्रिक मैंने बताई थी क्लास में जब बच्चों को सवाल करवाए थे कि ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल एच शोस ग्रेटर स्टेबिलिटी और ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल एच शो लेस स्टेबिलिटी। तो हमसे तो पूछें लेस स्टेबल, तो जिसकी पॉजिटिव वैल्यू बेटा सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, नेगेटिव वाले तो होंगे नहीं, तो हो जाएगा प्लस 64.8, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मोस्ट अबेंडेंट सॉल्ट ऑफ सोडियम इन नेचर, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। ये बड़ा अच्छा है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम इन सी एम क्यूब ऑफ 3.01 × 10³³ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओ टू गैस एट एस टी पी। 3.01 है तो ये हो जाएगा, ठीक है जनाब, नंबर ऑफ एटम्स देखो अगर 6 होते हैं ना एस टी पी पे तो 22.4 डी एम क्यूब होता है, 6 का आधा 3 तो 22.4 का आधा 11.2 आंसर डी एम क्यूब में होता। डी एम क्यूब में नहीं पूछा, सी एम क्यूब में पूछा है। 11.2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 11200 आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। तो देखो ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है ये कंसंट्रेशन की। फिर कह रहे हैं इन द रिएक्शन 2Fe + Cl2 2FeCl3 क्या चीज़ हो रही है। तो देखो बेसिकली ये हो रहा है भाई, फेरस भी ज़ीरो है, क्लोरीन भी ज़ीरो है, फेरस प्लस 3 हो गया। पॉजिटिविटी कब होती है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है Fe इज ऑक्सीडाइज, तो Fe इज ऑक्सीडाइज, ऑप्शन सी करेक्ट। देखो Cl रिड्यूस का ऑप्शन था ही नहीं, वरना ऑफकोर्स वो भी सही होता। फिर कह रहे हैं प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज टू कैरी आउट नॉन स्पेंटेनियस रिडक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड। तो ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है, सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो चूंकि प्रोसेस पूछा है तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। कह रहे हैं एंथैल्पी ऑफ सर्टेन रिएक्शन ऑफ 273 केल्विन इज 20.75 किलो जूल्स, द एंथैल्पी ऑफ सेम रिएक्शन एट 373 केल्विन इफ हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम विल बी। ओ यार ये बड़ा की पॉइंट है, हीट कैपेसिटी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अगर सेम होती है तो भाई एंथैल्पी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी 273 केल्विन पे थी। जहन में रखो हीट कैपेसिटी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की सेम हो तो टेम्परेचर चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 273 पे जो थी -20.75 वही 373 पे होगी, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कह रहे हैं गैस दैट रिएक्ट विद कैल्शियम ऑक्साइड एंड नॉट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये रखो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलेगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। फिर है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये भी भाई लोग बहुत रॉन्ग पढ़ाते, याद रहे H3BO3 डायबेसिक है, ट्राइबेसिक नहीं है, और जितने एसिड हैं ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग नहीं हो सकते, तो ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बी सी भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विच ऑफ फॉलोइंग अबाउट H2S इज फॉल्स, तो करेक्ट आंसर है इट इज़ अ वीक बेसिड वाटर। देखिए मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जो है हाइड्रोकार्बन का दिया हुआ है ये रहा, ठीक है, और चार कार्बन
10 हाइड्रोजन यानी नॉर्मल ब्यूटेन है, ठीक है। कह रहे हैं तो इसका आइसोमर क्या होगा? तो यार सबसे पहली बात तो 4 कार्बन होने चाहिए, ऑप्शन ए तो होने से रहा 5 कार्बन है इसमें, ठीक है। ध्यान से देखें, यहाँ 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन बिल्कुल है जी, 5 कार्बन सी वाला भी नहीं हो सकता, डी वाले में डबल बॉन्ड है तो ये बी वाला होगा। बस फर्क ये है कि ये जो क्वेश्चन में नॉर्मल ब्यूटेन था और यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। देखो ये सिर्फ ना घुमाया है, कुछ भी नहीं था, आपसे मॉलिकुलर स्ट्रक्चर पूछा था, अलबत्ता दे इतना बड़ा दिया गया था। फार्मूला ऑफ प्लास्टर पेरिस हम सबको अच्छी तरह पता है बच्चों, CaSO4.5H2O, ठीक है, CaSO4.5H2O। यानी आयनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ, तो देखो करेक्ट आंसर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड, चौथा ये जो होता है यहाँ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। एरो जाहिर कर रहा है कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इधर दे रहा है और ये NH4 पे पॉजिटिव आइन, OH पे नेगेटिव आइन, यानी आयनिक बॉन्ड भी है। तो इसका लगभग तीनों किस में पाए जाते हैं, आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर कह रहे हैं ऑल अमाइनो एसिड कंटेन द फंक्शनल ग्रुप, तो भाई NH2 ग्रुप भी होता है और CO2H भी होता है, ठीक है, COOH को इस तरह लिख सकते हैं ना, तो आंसर हो जाएगा बोथ एन बी। एलानाइन लाइजीन एंड ट्राइटोफेन आर, तो ऑफकोर्स ये अमाइनो एसिड ही होते हैं मेरे भाई, आप एलानाइन से पहचान सकते हो, मशहूर है ये काफ़ी। व्हाट हैपन व्हेन 1 मोल ऑफ इथेन इज मिक्स इन द डार्क एट द रूम टेम्परेचर विद द 6 मोल ऑफ क्लोरीन। यार हाइड्रोकार्बन की हेलोजनेशन होती है सनलाइट में, फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, तो डार्क में तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, हम कहेंगे देर इज नो रिएक्शन। देखिए हाउ वुड एन अमोनियम ग्रुप इफेक्ट एन बेंजीन रिंग फॉर सब्सिक्वेंट रिएक्शन, ये स्ट्रक्चर दिया है। यार देखो अगर कुछ इस तरह का ग्रुप हो अमाइन जिस पे एक लोन पेयर हो NR3 के साथ, तब वो अमाइन ऑर्थोपैरा तो होता है, लेकिन लोन पेयर हो तो एक्टिवेटिक होता है, यहाँ लोन पेयर नहीं है ध्यान से देखो, बल्कि प्लस का निशान है, तो ऑर्थोपैरा पे तो भेजेगा लेकिन एक्टिवेट नहीं करेगा बल्कि डीएक्टिवेट करेगा, ठीक है। किसकी वजह से? इस प्लस साइन की, बड़ी अहम बात याद रखना, लोन पेयर हो अमाइन ग्रुप में तो ऑर्थोपोरा एक्टिवेटिंग, और अगर प्लस हो तो डीएक्टिवेटिंग। विच ऑफ फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर SN2, H2O, CH3, CH2OH, CH3, SOCH3। तो देखो जो पहला वाला है, पहले दो ऑप्शन है ना, वाटर और इथाइल अल्कोहल, ये तो SN1 के लिए होते हैं, और ये जो है ना CH3, SOCH3, ये बेसिकली होता है SN2 के लिए। इस तरह हम इस स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।